साथ ही नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से न्यू अपडेट में। तो फाइनली अभी एम पी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो किस प्रकार से रिजल्ट को चेक करना है और कहां पर डायरेक्ट लिंक मिले ताकि अपने रिजल्ट को एक क्लिक में चेक कर पाएंगे, और लाइव ग्रुप यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस प्रकार से अपना रिजल्ट खुद से चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर को ओपन कर देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे फर्स्ट बार या पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में आए बेल आइकन को भी टच कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कैसे अपना रिजल्ट जो है चेक करें। अपने फ़ोन या लैपटॉप में कोई एक ब्राउज़र ओपन कर देना है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आप लोग को सर्च करना है। हम आपको सबसे सरल तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको जो है रिजल्ट पे ले जाएगा। और जो वेबसाइट इधर उधर, कई वेबसाइट हैं जो इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट पे लेकर जाने वाला साइट बता रहे हैं। तो कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सर्च करना है आपको mprizult.nice.in और इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको सामने देखने को मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो है क्लास 10th और 12th का रिजल्ट जो है आप 2023 का आपको दिखा रहा है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये कैसे आप 2024 का देख पाएंगे। यहाँ पे आप आदेश देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मतपेर भोपाल का, तो इसमें लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा DPSE मुख्य परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम 2024 को अपराह्न 4 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय के सभागृह में घोषित किए जा रहे हैं। मंडल द्वारा विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वेबसाइट जिन पर परिणाम उपलब्ध रहेगा, जैसे आपको ये वेबसाइट देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 11 वेबसाइट, सबसे पहला है mprizult.nice.in जो हम आपको बता चुके हैं, उसके बाद है mpbsc.mponline.gov.in, उसके बाद है mpbsc.nic.in। इस तरह से कुल मिलाकर 11 साइट हैं। और मोबाइल ऐप पर परिणाम प्राप्त करने के लिए जो है गूगल प्ले स्टोर पर mpbsc मोबाइल ऐप अथवा मोबाइल एमपी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें एवं नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद जो है अपना अनुक्रमांक रोल नंबर तथा आवेदन क्रमांक प्रविष्ट या सबमिट करके जो है अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या डालना है। ये साइट ओपन होने के बाद आप 10वीं से तो 10वीं वाले में और 12वीं से तो 12वीं वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे। तो जैसे 10वीं से हैं तो 10वीं वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। और यहाँ पे हमें जो है रोल नंबर डालना है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर जैसे ही करेंगे वैसे हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। तो आप जो 2024 का 10वीं 12वीं का रिजल्ट है वो आप 4 बजे के बाद आप देख सकते हैं इस साइट पे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।
और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपना जो है रिजल्ट परीक्षा परिणाम जो है देख सकें।